हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इग्नो असाइनमेंट बीएससी प्रोग्राम। फिजिक्स सब्जेक्ट है विद कोड BPHE-101 और PHE-01 विद एलिमेंट्री मैकेनिक्स। इस असाइनमेंट में 10 न्यूमेरिकल्स हैं आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ बॉक्स ऑफ मास 75 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक बॉक्स है जिसका मास गिवन है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है, एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। द बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड डाउनवर्ड्स। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड बॉक्स एंड ग्रेविटी वैल्यू इज गिवन हियर। वी विल स्टार्ट विद गिवन पॉइंट्स। मास गिवन है, एंगल ऑफ प्लेन गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक बॉक्स है जो स्लाइड कर रहा है, वो डाउनवर्ड यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है। इसमें क्या होंगे, नॉर्मल फोर्स एंड स्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन टू कंपोनेंट्स। इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। थीटा हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फोर्स निकालेंगे एंड स्टैटिक फोर्स। एक्चुअली करना क्या है हमें, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोफिशियंट निकालना है। तो कोफिशियंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू कोफिशियंट म्यू, इसे बोलते हैं कोफिशियंट इनटू नॉर्मल फोर्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, अभी हमें ना तो हमें स्टैटिक फोर्स गिवन है ना हमें नॉर्मल फोर्स। हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। तो हम पहले नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हैं, एम जी एम वैल्यू 75 जी 10 एंड डिजोल्व करके हमारे पास ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स में एम जी साइन थीटा लगा रहे हैं एंड स्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, म्यू एफ। तो म्यू एफ लगा रहे हैं, म्यू हमें जो निकालना है, ये हमने ऊपर निकाल लिया था, ये वैल्यूज पुट करेंगे हमें आप आंसर क्या आ जाएगा, कोफिशियंट 0.58 अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू इज अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स ऑफ हाइट 4 मीटर। इट कोलाइड्स विद ग्राउंड एंड इट बाउंस अप एट 2 मीटर हाइट। द कोलिजन बिटवीन ग्राउंड टेक्स प्लेस ओवर दिस टाइम, डिटरमिन मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एंड सेकेंड एवरेज फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गिवन है, हमने लिख लिया है। अभी क्या है, बिफोर कोलिजन में, अगर अभी कोलिजन नहीं हुई है तो उस टाइम मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट पे है तो वो जीरो होगी, ये हमें नहीं पता है, हमें निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे निकाल के आंसर कितना लगा लिया, 8.94 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, एम वी, एम हमें गिवन है और वी की वैल्यू भी हमने निकाली है। तो हम यहाँ से क्या निकाली है, मोमेंटम एट मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो अभी आफ्टर कोलिजन में भी सेम ऐसे ही करेंगे, पी एफ मीन्स फाइनल पोजिशन आफ्टर फाइनल मोमेंटम एम वी। लेकिन हमें अभी एम वी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं 2gh। तो पहले जैसे पहले किया था वैसे ही सेम यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2gh। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के आगे हमारे पास सॉल्व करके 6.3 मीटर पर सेकेंड। अभी ऐसे ही हम निकालेंगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, एम हमें पता था, वी हमने अभी अभी निकाला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। अभी सेकेंड पार्ट था कि एवरेज फोर्स भी निकालो। एवरेज फोर्स क्या होगा, दोनों मोमेंटम का एवरेज, मोमेंटम फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो हमने दोनों को डिवाइड करा टाइम से, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली फोर्स आ गया न्यूटन टर्म्स। तो थर्ड न्यूमेरिकल इज अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड स्लाइड डाउन अ सर्फेस विद कॉरस्पॉन्ड्स टू क्वार्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 2 मीटर रेडियस। फर्स्ट, इफ कर्व्ड इज स्मूथ देन फाइंड स्पीड एट बॉटम। और सेकेंड है, अगर स्पीड बॉटम की गिवन है तो एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई। थर्ड निकालना है कि अगर ब्लॉक रीच कर रहा है द हॉरिजॉन्टल विथ दिस स्पीड, देन कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। तो कैसे, फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, स्पीड एट बॉटम। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी मास गिवन है, तो हम ऐसे स्पीड कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2gh। इनिशियल तो ऑब्वियसली जीरो होगी, फाइनल हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो कैसे निकाला, 2 इंटू जी इंटू एच करके, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने निकाला था। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी स्पीड एट द बॉटम। तो ये तो सिंपल मेथड था। अभी एनर्जी कैसे लॉस्ट हुई, एनर्जी क्या होगी, अभी काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वी को
कैसे रिजॉल्व करा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी से. फाइनल अभी हमने निकाली है, इनिशियल हमें पता था तो हमने क्या करा इसे सॉल्व करा और आंसर हमारे पास जूल्स में आ गया. थर्ड हमें निकालना था क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए. लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमें एम तो गिवन है, हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन है. तो इसमें हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे, जो हम पहले नाइन्थ क्लास में यूज करते थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस. इसमें एस भी गिवन है, ए हमें निकालना है और ये दोनों वैल्यूज गिवन है. तो हमने ए कैसे निकाला है, इसको रिजॉल्व किया और हमारे पास माइनस 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गया. यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी पॉइंट्स में या फिर फ्रैक्शन में, तो हमारे पास ये आंसर फ्रिक्शनल फोर्स आ गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ सेंट्रीफ्यूज इज शेप ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर विद रेडियस एंड मास इज गिवन एंड द स्पीड इज 5000 रिवोल्यूशन पर मिनट. डिटर्मिन टॉर्क एंड कैलकुलेटेड पावर. सबसे पहले हमें टॉर्क निकालना है. टॉर्क इज हियर फॉर्मूला इज रोटेशनल इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स आई इंटू अल्फा. तो टॉर्क आई क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर है या फिर हाफ एम आर स्क्वेयर. तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा अपॉन टी. क्योंकि हमें ना तो डायरेक्ट अल्फा पता है ना हमें डायरेक्ट इनर्शिया पता है, इसलिए हमने इसके फॉर्मूले को कर दिया, खोल दिया है इसे. तो अभी इनके वैल्यूज पुट करेंगे. मास भी गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो टाइम मैंने सेकंड रिवॉल्यूशन पर मिनट में हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया. तो टॉर्क की वैल्यूज हमें जस्ट पुट करनी है, इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में. अभी पावर क्या होगी, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी. तो हमने क्या करा, इन वैल्यूज को पुट करा और मल्टीप्लाई करा. टॉर्क में ऊपर निकाल लिया था तो ओमेगा भी हमें निकाला था, दोनों की वैल्यूज पुट की. तो अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल 5. पोटेंशियल एनर्जी हमें इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज पॉलिनोमियल. विच आर द पॉइंट्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो हमें ये निकालना है. उसके बाद हमें निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम एक्स फंक्शन एक्स वन टू एक्स टू लिमिट तक. सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है. पॉइंट्स हमें x1 और 2 है. अगर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, 13 जूल. अगर x इज इक्वल टू 2 पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 16 जूल. तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल और माइनस फाइनल माइनस इनिशियल या 3 जूल. तो आगे इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होनी चाहिए. अगर जीरो है तो हमें क्या करेंगे, हम ये हमने क्या निकाला है एक्स, इसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमने एक्स निकाला है, एक्स वन और टू, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई. तो अभी क्या करेंगे, पॉइंट्स हमें निकालने हैं. पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्टेबल होंगे या अनस्टेबल, किस पॉइंट पे होंगे. तो हमने क्या करा, पहले हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया. डबल डेरिवेटिव हमारे पास 14 माइनस 12 एक्स आ गया, आप करके देख लीजिएगा. तो उसके बाद हमने एक्स वन एंड एक्स टू दोनों वैल्यूज पुट करी, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक कम है एक ज़्यादा है. जो कम है वो अनस्टेबल पॉइंट है, जो ज़्यादा है वो होगा हमारे पास स्टेबिलिटी पॉइंट. बस हमने यही बताना था. वर्क डन हमने पहले निकाल लिया है, अल्टरनेटिवली हम दूसरी तरह से भी वर्क डन निकाल सकते हैं. कैसे, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्या होगा, सेम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 1, हमें जस्ट सिंपल इस मेथड से भी निकालेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा. आप कैसे भी कर सकते हो. तो हमने ये दोनों पॉइंट निकाल लिए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल 6. इसमें क्या है, 3 पॉइंट मासेस हैं, सबका मास 2 किलोग्राम है. तो अभी r वेक्टर r 1 2 3 तीनों वेक्टर्स दिए गए हैं, यूनिट वेक्टर्स. तो हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है बाय यूजिंग सेंटर ऑफ मास. तो हम यूज करेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला. वेलोसिटी निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, उसका आंसर क्या किस में आ जाएगा, एक्सेलरेशन आंसर हमारे पास आ जाएगा. सबसे पहले हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला. क्या होता है, एम वन आर वन एम टू आर टू अप टू सो ऑन अपॉन इट्स सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस. तो यहाँ पे मासेस सबका, ईच मास इज सेम. तो हम यहाँ पे एम वन एम टू एम थ्री को एम ले सकते हैं. तो हमने यहाँ पे बाहर इसको सेपरेट निकाल लिया है, हमारे पास आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री वैक्टर्स आ गए हैं. अगर टू मास है तो टू प्लस टू प्लस टू या सिक्स हो गया. अभी तक हमने इतना निकाल लिया है तो हमारे पास ये आ गया आर की वैल्यू. अभी हमने क्या करा कि जो r वेक्टर है उसको सॉल्व करा r1 प्लस r2 प्लस r3 वेक्टर में, तीनों को प्लस करा, प्लस करके i j k कॉमन वेक्टर्स निकाल लिए हैं. क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी क्या निकालेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने क्या वही करा है, हमने क्या करा
कि जो ये कांस्टेंट हम ऐसे ले ली, उसके बाद इसका पूरा इस टर्म का डेरिवेटिव करके हमने ई वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, तो ये आई जे के यूनिट फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो हमने वैसे ही करा, डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू टी और हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो इसी के साथ सिक्स न्यूमेरिकल इज वेरी इजी। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट। A horizontal disk of rotation inertia is given with respect to its axis of symmetry and spinning in anti-clockwise direction with these revolutions per second. A second, another disk with separate rotational inertia and its revolution per second value and it in the clockwise direction. Dono disk hai spin kar rahi hai together. Hame abhi new angular velocity of the system abhi find out karna hai. Humne kya kara? कि दोनों डिस्क हैं, दोनों के फर्स्ट डिस्क के लिए वन वन वैल्यू ले ली, सेकंड आई टू वी टू ले ली, एक स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे डिस्क की स्पिनिंग क्या होगी, क्लॉकवाइज गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम। तो हमने वही करा है, आई टू ओमेगा टू माइनस आई वन ओमेगा वन अपॉन आई, ये आई वैल्यू। अब ये आई कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे पहले ही प्लस करके रखा है, तो हमने ओमेगा की वैल्यू ही निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आई टू इज गिवन 13, दिस इज 2 पाई अपॉन टी, दिस इज 2 पाई क्योंकि ओमेगा हमें एज इट इज नहीं पता है, इन टू 2 पाई आर, ये रेवोल्यूशन इसकी कितनी है 20, माइनस आई गिवन है फर्स्ट डिस्क एंड 2 पाई आर इसकी कितनी है 22.5, जैसे वैल्यू पुट करनी है अपॉन जो टोटल हमने क्या निकाला यहाँ पे 20.5 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर इनर्शिया था। ऐसी वैल्यू इसको सॉल्व करा, मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर मेरे को मिल गया है। लेकिन हम साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि अगर जब दोनों डिस्क टुगेदरली वो स्पिन करेंगे तो उसकी सिस्टम की डायरेक्शन क्या होगी, जिस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन वो को फॉलो करेगी। तो उसमें किसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, ऑब्वियसली आप देखोगे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम की स्पिनिंग भी क्लॉक वाइज होगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, इसमें क्या है कि स्टेशनरी बॉल विद मास इज गिवन इज स्ट्रक बाय एन आइडेंटिकल बॉल मूविंग एट दिस वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन द सेकंड बॉल आल्सो मूव टू दिस स्टेशनरी बॉल एट एंगल 30 डिग्री। द स्टेशनरी मूव्स, द स्टेशनरी बॉल गेट्स मूव टूवर्ड्स बाय एन एंगल 60 डिग्री। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन। तो अभी क्या है कि सपोज कहिए कि ये मेरे पास मूविंग बॉल है और दूसरी है, ये मैंने थोड़ी कंजस्टेड सी डायग्राम बनाई है, ध्यान से देखिएगा, ये दूसरी बॉल है, ये जो स्टेशनरी है दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मास सेम होगा। एक बॉल को मैंने ले लिया बॉल वन, दूसरी को ले लिया टू। जब ये मूविंग बॉल स्ट्रक करेगी विद स्टेशनरी बॉल तो दोनों बॉल्स आएंगे। सपोज कीजिए कि इन्हें बताया गया है न्यूमेरिकल में कि जो फर्स्ट बॉल है स्टेशनरी बॉल वो विद 30 डिग्री एंगल में लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करती है, तो ये मैंने दिखाया यहाँ पे। तो जो राइट है वो विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री एंगल टूवर्ड्स राइट, वो स्टेशन जो बॉल थी सेकेंड बॉल स्टेशनरी बॉल यहाँ पे मूव करती है। तो हमने इसको रिजॉल्व करा, एम वी वन कॉस थीटा वन में एम और इसका यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे एम टू वी टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैसे रिजोल्व करेंगे, इन टू द नॉर्मल एम वन वी वन साइन थीटा वन एंड एम टू वी टू साइन थीटा टू। तो इसमें क्या होगा, हमें गिवन क्या है, बॉल वन के लिए मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, थीटा वन गिवन है, बॉल टू के लिए भी मास, इनिशियल वेलोसिटी और थीटा गिवन है। अभी हम कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखते हैं या फिर आफ्टर कोलिजन भी देखेंगे, अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल दोनों देखेंगे। तो अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, बिफोर कोलिजन, अभी वर्टिकल डायरेक्शन बिफोर कोलिजन तो है ही नहीं कोई मोमेंटम, तो उसका क्या होगा, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एम वन वी वन साइन थीटा वन माइनस एम टू वी टू साइन थीटा टू। अभी माइनस क्यों लिया है, क्योंकि दोनों जो थीटा है वो ओपोजिट हैं, इसीलिए मैंने क्या करा है, इसमें नेगेटिव साइन लिया है। तो दोनों को हम इक्वल यहाँ से सॉल्व करा है, एम वन और एम टू दोनों ही सेम है, पहले बताया गया है, इसलिए मैंने एम ले लिया। अगर दोनों साइड एम लूंगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू सॉल्व करी है,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 60 एंड रूट 3/2 सॉल्व करके मेरे पास v1 इज इक्वल टू रूट 3v2 ले लिया। इससे मैंने ऐसे क्यों आपको आगे पता चल जाएगा, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी जैसे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मोमेंटम निकाला है, वैसे हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी निकालेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्वियसली m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू दिस इन थीटा साइंस, ये कॉस थीटा है तो अभी सेम मास है, ऐसे ही जैसे पहले करा था वैसे ही सेम करेंगे। अभी u2 इज इक्वल टू 0, u1 6, ये गिवन है हमें, तो हमने वैल्यूज जस्ट पुट की है। हमारे पास v1 प्लस v2 ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमें v1 और v2 दोनों निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि v1 की वैल्यू हमने जो यहाँ पे ली है फर्स्ट इक्वेशन में वो पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, मैंने पुट कर दी, मेरे पास v2 आ गया 3 m/s। तो अभी जैसे v2 निकाला है वैसे ही इस v2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास v1 भी आ जाएगा। यही हमें दो निकालने थे, दोनों वेलोसिटी निकालने थे, दोनों स्पीड्स हमने अभी निकाल लिए हैं। तो कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ कॉमेट हैज एपीलियन डिस्टेंस इज गिवन, प्रीहेलियन डिस्टेंस इज गिवन, पेरिहेलियन एंड एपीलियन दोनों ही गिवन है। मास ऑफ सन इज गिवन, स्पीड निकालनी है दोनों, पेरिहेलियन भी एपिहेलियन दोनों स्पीड निकालनी है। सन मास गिवन है, डिस्टेंस दोनों मैंने लिख लिए हैं, दोनों की वेलोसिटी अभी निकालनी है। तो अभी एवरेज डिस्टेंस क्या है, दोनों का मैंने एवरेज निकाल लिया यहाँ पे सॉल्व करके, मेरे पास इतना आ गया। अभी वेलोसिटी क्या होता है, 2πr/t। अभी टी भी नहीं मुझे पता है, आर तो पता है 2π है, लेकिन टी उसे मैंने सेपरेट निकाला है। देखिए आपने प्लस वन में किया होगा 2πr³/gm√, ये हमने पहले भी किया हुआ इन लोअर क्लासेस। तो हमने जस्ट इसकी वैल्यूज पुट की हैं, जी इज कॉन्स्टेंट एंड एम इज गिवन, इसे सॉल्व करके मैंने इसे पाई की टर्म में ही छोड़ दिया है। अभी इसी वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। देखिए क्यों मैंने पाई को ऐसे ही छोड़ दिया था, पाई और पाई टर्म कट रही थी इसीलिए, तो ये कैंसिल आउट होगी। मैंने सॉल्व करके इतना आंसर निकाल लिया है, ये मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी m/s में। अभी ये होगी एवरेज वेलोसिटी, हमें क्या निकालना था, दोनों की सेपरेटली वेलोसिटी निकालनी थी। सेम फॉर्मूला 2π, लेकिन आर कौन सा लेंगे, एपिहेलियन का, क्योंकि वेलोसिटी एपिहेलियन की है। टाइम क्या था, जो हमें पिछले पहले निकाला था वही पुट किया है, हमें हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी m/s में, ऐसे ही पेरिहेलियन की भी वेलोसिटी आ जाएगी m/s में। तो अभी यही हमने निकालना था, इज वेरी इजी। तो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है ऑन जुपिटर अ डे लास्ट फॉर 9.9 अर्थ आवर्स एंड सर्कमफ्रांस उसका गिवन है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें गिवन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है तो हमें ट्रू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। जो गिवन है मैंने लिख लिया है, अभी 9.9 आवर्स है तो मैंने सेकंड में चेंज कर लिया है। जो आर उसकी वैल्यू है मैंने सॉल्व की है, ये हमने निकाली है मीटर्स में आर की वैल्यू। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी इज इक्वल टू g′, हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसका फॉर्मूला ले लिया 2π/t। तो हमने यहाँ पे मैंने जस्ट पुट किया है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आप खुद भी निकाल के देख चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है। जी ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकालना है। अभी जो टर्म पीछे हमें निकाली है एक्सेलरेशन, उसमें जो ओमेगा स्क्वायर आर टर्म थी उसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके लिए मैंने ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज लिया है, उसकी वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है इन 10⁻³ m/s² में। अभी जो सेकेंड पार्ट है इसका बी पार्ट, वो है अ बॉल ऑफ मास 50 g इज हिट ड्यू टू साउथ विद अ स्पीड, स्पीड गिवन है, लैटिट्यूड गिवन, हमें मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अभी मास गिवन हमने लिख लिया, स्पीड गिवन है और एंगल गिवन है। फोर्स क्या होगा, 2m⍵sin θ। अभी इसमें इसे सबसे पहले हमने इन डायरेक्शन फॉर्म में निकाला, वेक्टर फॉर्म में, इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओमेगा एंड वेलोसिटी। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन, क्योंकि ओपोजिट है, तो आर यूनिट वेक्टर में हमें साइन थीटा मिल जाएगा। अभी हमें लेकिन हमें सिर्फ पूछा गया है मैग्नीट्यूड, तो हम इन यूनिट वेक्टर को नहीं लेंगे, तो हमने साइन थीटा में रिजॉल्व किया है। अभी इसमें ओमेगा हमें नहीं पता है, मास पता है, साइन थीटा पता है। ओमेगा निकालने के लिए वही फॉर्मूला सेम 2π/t हमने सॉल्व करा है रेडियन पर सेकेंड में, ऐसे ही
निकाल रख दिया है और अभी फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. फोर्स 2m गिवन था इन किलोग्राम एंड ओमेगा वैल्यू पुट करी है हमने. इसे जब सॉल्व करेंगे इसमें जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज 60, साइन 60 इज रूट 3/2. हमें सॉल्व करके वैल्यूज न्यूटन में हमने निकाल दी है. अभी हमने पूरी असाइनमेंट सॉल्व कर ली है, फिजिक्स BPHE-101 एंड PHE-01. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और अगर आपको कोई और वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कॉर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.